सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ी थोड़ी मनमानिया के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर हैं आप और आपका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी बॉलीवुड इस फिल्म के जरिए डेब्यू कर रही हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थोड़ी थोड़ी मनमानिया, क्या कुछ मनमानिया करने वाले हैं आप लोग इस फिल्म में, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा जो कि बहुत सारी बातें ट्रेलर में करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि कितनी मनमानिया करने वाले हैं आप लोग इस फिल्म के जरिए। तो हमारी जो फिल्म है, यू कैन शट इट ऑफ, आप बंद कर सकते हो, बार बार आवाज़ आती रहेगी। हाँ, सो हमारी जो ये फिल्म है, मनमानिया जो शब्द है वो युवा पीढ़ी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज यू डेयर टू डू थिंग्स इन दिस एज। तो हमने ये फिल्म इसीलिए बनाई है, वेर इन इट्स ऑल अबाउट कॉलेज गोइंग किड्स एंड हाउ म्यूजिक इज द वन हु कनेक्ट्स देम एंड हाउ डिफरेंट पर्सनैलिटीज गेट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ म्यूजिक एंड हाउ देयर लाइव्स चेंज। It's exactly what she said, and इतना सब तो बोल। डेब्यू फिल्म का शूट करने का कैसा लाइक एक्सपीरियंस, और वो भी इतनी पॉपुलर एक्टर है आपके साथ में, टीवी इंडस्ट्री की तो पॉपुलर एक्टर है। इसके लिए द बेस्ट पार्ट ये था, इसे कुछ पता नहीं था कि मैं कहां से आई हूं, टीवी की दुनिया की कोई खबर नहीं थी, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अस आउट सो मच। सो बट यू नेवर एक्टेड लाइक अ फेमस टीवी एक्ट्रेस, लाइक शी वाज वेरी जेन्युइन एंड वेरी वार्म इन हर अप्रोच। तो पगली इतनी तारीफ, सो it was a learning experience basically. See, since first film hai to starting se leke end tak har din bas struggle ye tha, seekhne ko mil raha hai, seekhne ko mil raha hai, seekhne ko mil raha hai, baaki cheezon pe dhyan ja hi nahi raha tha, bas baaki shoot khatam hote hai, humne jo masti aaki wo alag hai ji। To film ki agar main baat karu to ye film kaise mili aap logo ko, kyunki pehle se aapki ichcha thi ki tv ke baad aapko bollywood mein debut karna hai, ya kya kuch aapse mere saath bas ye hua tha ki ispe aapko gyanamdu band hua tha, एंड मैं वेकेशन मोड में थी, जैसे ही मैं अपने घर चली गई थी गुजरात में, आई गेट अ कॉल फ्रॉम द फिल्म पीपल एंड इट वाज जस्ट वन डे वी आई हैड कम, मैंने आदित्य सर से अपनी नरेशन किया एंड इट वाज अ यस स्ट्रेट अवे, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो कुछ ऑडिशन भी देना पड़ा आपको? ऑडिशन किया था हमने, एक हमने साथ में बस एक ऑडिशन किया था। हाँ, तो आप बताइए कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा इस फिल्म के लिए, इस किरदार के लिए, और मिली कैसे कि जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, अजिंक्य किशोर, वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उनके थ्रू आई मेट आदित्य सर जो डायरेक्टर है, फिर उन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी, आई हैव डन अ एक्टिंग कोर्स फ्रॉम बिस्ने वुड्स, तो उनको शॉर्ट फिल्म दिखाई एंड ही थॉट आई फिट द कैरेक्टर, फिर वहाँ से वी हैड अ लुक टेस्ट, फिर ऑडिशन एंड तो बस वैसे फिल्म एंड वर्कशॉप्स आई थिंक उन लोगों ने साथ में की थी, इश्तियाक सर के साथ की थी, उसमें भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया था। आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज़ मैंने वैसे एक्सरसाइजेस किए थे उसमें। बहुत फिल्म की अगर मैं बात करूं कि थोड़ी थोड़ी मनमानी होती है, तो सेट का अगर कुछ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना चाहें कि सेट पर कैसा था। हमने रियल लोकेशंस में शूट किया है दिल्ली में, तो इट वाज सुपर फन। हम लोग किसी दिन चांदनी चौक में होते थे, तो कभी हौस खास विलेज में होते थे, तो बहुत ही हमने एंजॉय किया था। इसमें मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस चीज का, हम लोग काम तो करते थे, साइड बाय साइड एंजॉय भी करते थे। तो आज क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए टीवी में शूट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर ये फिल्म में शूट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप टीवी से सॉन्ग्स हम जिस तरह से शूट कर रहे थे, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी शूट एंड देन एक्सटर्नल, मतलब आउटडोर लोकेशंस दैट वी डोंट यूजुअली, टीवी के सेट हमारे घर बन जाते हैं, तो वैसे नहीं था, दिस वाज आवर आउटडोर शूट मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक हर दिन शूट किया, आई थिंक मेरे पूरे शेड्यूल में से सिर्फ दो दिन ही ऐसे होंगे जिसमें मैंने शूट नहीं किया था, तो उसमें तो मैं सिर्फ जम के सोया था। उसके अलावा शूट पे सी लाइक आई सेड, क्योंकि आप पहली बार काम कर रहे हैं, आप आदित्य सर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये उनकी फिफ्थ फिल्म है, फर्स्ट हिंदी बट फिफ्थ फिल्म, एंड श्रेनु ऑलरेडी इतने सारे टीवी शोज कर चुकी है, बाकी के जो भी एक्टर्स थे काफ़ी सारे थिएटर्स थे,
एंड शिल्पा मैम इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. तो क्या है कि आप जब सेट पे होते हो, आप शूट कर रहे हो इन सब एक्टर्स के साथ, इट्स अ लॉट टू लर्न. तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया. शूटिंग डेज तो आई थिंक आइडिया भी नहीं मुझे कब ऐसा, दे जस्ट फ्लू बाय. जी अच्छा, फिल्म को पोस्टपोन किया गया है मतलब, तो पहले ये फिल्म होने वाली थी ये. हालांकि ये सवाल जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कोई खास वजह? खास वजह आई थिंक 26th seemed like a better day because I had my star parivar also at that time, so I couldn't give my time. और अभी प्रमोशंस के लिए फिर वो अवेलेबल नहीं होती. उस टाइम हम इंटरव्यू करते तो सोचो शेनू नहीं होती. अच्छा ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, ट्रेलर में मैं देखा कि मतलब बहुत ही क्रांतिकारी टाइप्स की आप हमें लग रही हैं कि बहुत सारे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अरे वो हमारा क्या करेगा, आप इनसे क्यों डरते हो, मतलब आप वो डायलॉग कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्यों आप ऐसे डायलॉग क्यों यूज करें? एक लीडरशिप की क्वालिटी देखी मैंने जो ट्रेलर में मैंने देखा. वैसे ही लाइक नेहा का कैरेक्टर ही वैसा है कि शी इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइक अ सोशल एक्टिविस्ट. वो शी डज स्ट्रीट प्लेज, और वो कुछ अगर गलत हो रहा है तो शी वॉइसेज इट आउट, एंड शी इज़ गॉट सपोर्टिंग मेंबर्स आल्सो, एंड दिस ओनली इज समथिंग दैट गेट्स हर इनटू ट्रबल लेटर ऑन. आप बताएंगे कि मतलब आप इनकी बातों को क्यों नहीं मानते? ट्रेलर की अगर बात करें, हमने देखा बहुत सारी चीज़ों को ये आपकी बात आप अपनी बातों को ये मनवाती है, लेकिन आप बोलते नहीं हम यहाँ से भाग चलते हैं ऐसा. क्या सिद्धार्थ जो है वो थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का है, तो ये सबसे थोड़ा बच के रहता है. ही इज नॉट वन ऑफ दोज जो आगे स्टेप लेके फुल फाइट फॉर एवरीवन. तो नेहा से मिलके ही क्योंकि अब आप लोग बॉलीवुड में भी अब आप लोग डेब्यू कर रहे हैं, और हम कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से. आगे इन फ्यूचर में किन किन एक्टर से आप लोग इंस्पायर्ड हैं, आप और आप बोथ, और किन किन एक्टर के साथ में काम करने की इच्छा रखते हैं आप लोग, अगर मैं या आप लोग के फेवरेट एक्टर की, हाँ मुझे इन एक्टर के साथ में काम करना, इन डायरेक्टर के साथ में काम करना. शेनू जी आपसे जान सकते मैं तो मिस्टर बच्चन के साथ काम करना चाहूँगी, विथ विद ऋतिक रोशन. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट या आई डू एडमायर प्रियंका चोपड़ा अ लॉट. या व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू वर्क विद आलिया भट्ट. ओह मेजर क्वेश्चन. एंड अमिताभ बच्चन सर ऑफ कोर्स. बाय द वे डू यू नो दैट अमिताभ बच्चन सर लाइक गिव मी माय सर्टिफिकेट डिप्लोमा. व्हाट आर यू सेइंग? सो कूल. आई डिडंट नो अबाउट दैट. सो यस, एंड डायरेक्टर्स तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सब इतने सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, सबके साथ काम करना. ओके सो गाइस डू वॉच आवर फिल्म थोड़ी थोड़ी सी मनमानिया, व्हिच इज रिलीजिंग ऑन द 26th ऑफ मई, एंड आपने जितना प्यार हमें हमेशा दिया है और आगे भी देते रहिए. थैंक यू.